गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप मुझे बहुत टाइम पहले से देख रहे हैं या फिर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप इस वॉल को पहचानते होंगे और इस जगह को भी पहचानते होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग मेरी वीडियोस की यहीं से की थी, मेरे टेरेस से। और दिस वाज माय बैकग्राउंड। एक्चुअली जो आज मेरा बैकग्राउंड है बेडशीट, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मूविंग द टॉपिक गाइज, आज हम करने वाले हैं कुछ सेल्फ पोर्ट्रेट्स क्लिक, और हम सारे सेल्फ पोर्ट्रेट क्लिक करेंगे विदाउट यूजिंग एनी ट्राइपॉड। तो हम ऐसे कुछ घर का जुगाड़, देसी जुगाड़, इंडियन जुगाड़ करके कुछ हमारे सेल्फ पोर्ट्रेट्स क्लिक करेंगे। और ये सेल्फ पोर्ट्रेट्स सब जगह हैं गाइज, मतलब मैंने कुछ पिक्चर्स टेरेस पर भी क्लिक की हैं, कुछ रूम में भी क्लिक की हैं। और गाइज यदि आपके पास मेरा जैसा बैकग्राउंड है, मतलब जो मेरे रूम में आपको मैं बैकग्राउंड दिखाने वाली हूँ, सो हॉरिबल, क्योंकि वो बहुत ही गंदा है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ डैम कूल इमेजेस आई हैं, बहुत ही प्यारी कुछ पिक्चर्स आई हैं। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि, क्योंकि आई नेवर क्लिक एनी पिक्चर्स इन माई रूम, बिकॉज वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई कलर पैलेट नहीं है, कोई कलर थीम नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। इस वजह से मैंने कभी मेरे रूम में कोई पिक्चर्स नहीं क्लिक की, क्योंकि वो कभी भी अच्छी नहीं आती। लेकिन वीडियो है, जो वीडियो बनाने का मेरा थॉट था, इसने उस टाइम उस काम को कर दिया। मैंने मेरे रूम में कुछ पिक्चर्स ली और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो इतनी अच्छी टर्न आउट हुई है। बहुत मज़ा आएगा आपको, मे बी यदि आप इस तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद करते हो तो। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मे बी बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, क्योंकि सारी पिक्चर्स की जो अच्छे अच्छे टर्न आउट हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना और पिक्चर्स को लाइक कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ मैंने फर्स्ट ऑफ में क्या किया है, जो हमारे घर में छोटे मोटे से प्लांट्स लग रहे हैं उनके बीच में मैंने अपने फ़ोन को इस तरीके से सेट कर दिया है, और थोड़े से लीव्स को कैमरा के आगे छोड़ा है जिससे फ़ोटो में इन्हेंस हो, फ़ोटो में डेप्थ आए। तो बस इसी तरीके से मैं लीव्स को एडजस्ट कर रही हूँ जिससे कैमरा में जितनी ज़रूरत है उतने दिखें, थोड़ा ऊपर थोड़ा साइड में, जिससे फ़ोटो में थोड़ी डेप्थ आ जाए, फ़ोटो में इन्हेंस हो जाए और फ़ोटो थोड़ी सी अलग लगे। ये दिस इज़ अ सिंपल पिक आइडिया, लेकिन बस ये है कि आप इस तरीके से करके अपनी फ़ोटो में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। मैं टेरेस पे बहुत बार शूट कर चुकी हूँ, लेकिन जिस एरिया में मैं बैठी हूँ उस एरिया में मैं एक दो बार शूट कर चुकी हूँ, लेकिन विदाउट ट्राइपॉड मैंने यहाँ पर एक बार भी शूट नहीं किया है, कोई पिक्चर क्लिक लेने करने की कोशिश नहीं की है। तो लेट्स सी विदाउट ट्राइपॉड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे माइंड में है कुछ, देखते हैं वो वर्कआउट करता है या नहीं करता। तो आई हैव विद मी दिस स्पीकर थिंग, और दिस इज़ लिटिल एम्प्टी बॉक्स, बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हम फ़ोन रखने वाले हैं दिस एरिया लाइक दिस, मतलब आप इसको फ़ोन समझ लो। तो इस तरीके से हम ऐसे फ़ोन रखने वाले हैं और देखते हैं हमारी पिक्चर्स कैसे टर्न आउट होगी। तो गाइज ये पिक्चर आइडिया मैं हमारे टेरेस के स्टेयर्स पे ट्राई कर रही हूँ, आप कोई भी स्टेयर्स पे, कहीं भी स्टेयर्स हो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ये उतनी ही पिक्चर्स कूल लगेंगी। तो गाइज दिस इज़ आर विंडो एरिया, यहाँ पर एक कर्टन लगा हुआ है, एक्चुअली कर्टन ये बेडशीट है, और ये हमारे रेगुलर जो यूज़ में आने वाले ब्लैंकेट्स हैं। तो मैं जो कर्टन है उसको अपना बैकग्राउंड बना लूँगी, और ये जो विंडो लाइट आ रही है बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है मेरी फ़ोटोज़ में। तो मैंने अपने कर्टन को अपना बैकग्राउंड बनाकर यूज़ में लिया है, और यहाँ पर मैं कुछ सेल्फ़ी आइडियाज़ ही ट्राई करूँगी। अभी मेरे बाल ख़राब हो गए और ये बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कर्टन थोड़ा सा ऐसे हिल हिल रहा था, तो बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ऐसे सेल्फ़ी आइडियाज़ ही ट्राई किए हैं, और थोड़ा सा दूर से मैं लेने को ट्राई करूँगी जिससे फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छे लगे। अभी मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ पर मुझे अच्छी नहीं लगी, उसके बाद मैंने सारी फ़ोटोज़ ऐसे दूर से ही ट्राई की हैं, और ये मुझे पहले के बैटर ज़्यादा अच्छी लगी। आपको मैं दिखा दूँगी कैसी लग रही हैं, और वो वाली मुझे अच्छी नहीं लगी तो एक भी मैंने इस वीडियो में नहीं डाली है, और बाकी सारी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। Thank you.
यार इस पे बंदर है और मुझे लग रहा है बहुत तेज डर। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करके जाऊं यहाँ से। देखना है आपको, 1 सेकंड में दिखाती हूँ। रखने वाली हूँ और दिस इज़ द बैकग्राउंड टू क्लिक माय पिक्चर्स। और यहाँ पर हम रखने वाले हैं फ़ोन, तो अब करते हैं कुछ पिक्चर्स क्लिक। मे बी तो गाइस यहाँ पर मैं एक ही पिक्चर क्लिक कर पाई। मैं अलग अलग पोज देने को ट्राई कर रही थी, लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि वो पोज मैं क्यों ट्राई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे दिख गए थे सामने से बंदर और मुझे भागना पड़ा। इसलिए गाइस मेरे पास यहाँ की सिर्फ एक या दो पिक्चर ही मिल पाएंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको लगे कि मैंने इनमें 1% एफर्ट भी लगाया है इन पिक्चर्स को क्लिक करने में, तो प्लीज़ गाइज मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और यदि कोई भी आइडियाज़ आपके पास हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं वो उन आइडियाज़ पे वीडियो क्रिएट करूँ, तो मुझे वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।